पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। बता दें, आप मंत्री हो या अफसर हो या फिर कोई भी खासी व्यक्ति क्यों ना हो, बिना एसपीजी क्लियरेंस के पीएम मोदी के नजदीक आने की इजाजत नहीं मिलेगी। पीएम की जान को खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की। बता दें, पिछले दिनों माओवादियों से कनेक्शन के आरोप में दिल्ली से पकड़े गए 5 लोगों में से एक के पास एक चिट्ठी मिली थी और उस चिट्ठी में राजीव गांधी हत्याकांड की तर्ज पर ही पीएम मोदी को निशाना बनाने की साजिश रचने की बात कही गई थी। जिस तरह से राजीव गांधी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसी तरह से पीएम मोदी भी निशाने पर। इसके चलते अब सुरक्षा को लेकर नई एडवाइजरी। मौजूदा दौर से देश के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी, पीएम जहां भी जाते हैं उनके प्रशंसक उनके पहुंचने से पहले पहुंच जाते हैं। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। पीएम से मिलने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। पीएम भी अपने प्रशंसकों को शिकायत का मौका नहीं देते। सुरक्षा के प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम अपने प्रशंसकों से मिलते हैं, लेकिन अब पीएम ऐसे अपने प्रशंसकों से नहीं मिल पाएंगे। अब मंत्री भी बगैर इजाजत के पीएम मोदी से नहीं मिल पाएंगे। वजह है पीएम मोदी की सुरक्षा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पीएम की सुरक्षा पर इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इस खुलासे के बाद गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब एसजीपी की इजाजत के बगैर किसी को पीएम से मिलने की इजाजत नहीं होगी। मंत्रियों और अधिकारियों को भी पीएम से मिलने के लिए इजाजत लेनी होगी। एसजीपी की इजाजत के बाद ही मंत्री और अधिकारी पीएम से मिल सकेंगे। खतरे को देखते हुए सलाह दी गई है कि पीएम 2019 के आम चुनाव में रोड शो के बजाय जनसभाएं करेंगे। एजेंसियों को अंदेशा है कि रोड शो के दौरान पीएम को निशाना बनाया जा सकता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, बहुत पॉपुलर हैं, लोगों में जाते हैं। अगर आप इनको लोगों से दूर कर दोगे तो कितना भी फिर एक एरिस्टोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर बना दोगे इनको, तो उनकी छवि पे भी असर डालता है। कि प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से आइसोलेट करना एक बहुत कठिन कार्रवाई है डेमोक्रेसी के अंदर, एक बहुत कठिन मुश्किल काम है। बीते दिनों दो ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद पीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। पुणे पुलिस ने 7 जून को माओवादियों से संपर्क के आरोपों में दिल्ली से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक के पास एक पत्र मिला था। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि पत्र में पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या की तरह ही मोदी की हत्या करने की साजिश का जिक्र था। इससे पहले पीएम के पश्चिम बंगाल में एक शख्स ने 7 सुरक्षा घेरों को तोड़कर मोदी के पैर छुए थे। इन घटनाओं के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की और बैठक में पीएम की सुरक्षा को लेकर नए नियम बनाए गए। करेक्ट असेसमेंट लेके किन क्वार्टर से थ्रेट है, किन एजेंसी से थ्रेट है, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट से थ्रेट है या अपने यहाँ जो माओवादी मूवमेंट से जाते हैं, क्या उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, उसको पूरी को असेस करके फिर एक एलिमिनेशन, थ्रेट एलिमिनेशन पे कार्रवाई की जाए ताकि प्राइम मिनिस्टर को जो थ्रेट है वो रिड्यूस किया जाए। पीएम की करीबी सुरक्षा टीम को नए नियमों और सुरक्षा पर खतरे के बारे में जानकारी दे दी गई है। राज्यों को भी पीएम के नए सुरक्षा नियमों की जानकारी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।